हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर हैं जिसको हम ओवरलोड कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते, इस चैनल इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन विच द ऑपरेटर इज ओवरलोडेड टू प्रोवाइड द स्पेशल मीनिंग ऑफ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब इसका मीनिंग क्या है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। सबसे पहले तो अभी देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज पॉली का मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म। पॉली का मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म, मतलब मैनी फॉर्म्स। एक सिंगल चीज को अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, डैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम कंपाइल कर रहे हैं, हमने देखो पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख दिया, हम उसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर हम कुछ कर सकते हैं ना, ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटर को हम यूज कर रहे हैं और जो उसका मीनिंग है वैसे तो वो यूज हो ही सकता है, लेकिन उसको एक अलग तरीके से। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें, यूज़ कर रहे हैं किसी और काम के लिए, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रन टाइम या कंपाइल टाइम। कैसे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन विच द ऑपरेटर इज ओवरलोडिंग, जिसके अंदर ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाता है टू प्रोवाइड द स्पेशल मीनिंग ऑफ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिससे जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं उनको एक अलग स्पेशल मीनिंग मिल जाए, अलग से एक मीनिंग की तरह अलग से एक काम करे, अलग से उनका एक टास्क बन जाए। सपोज करो अगर हम प्लस के सिंबल को टू न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में लगाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया 1 + 2, ठीक है, तो वो एडिशन में क्या देगा, रिजल्ट क्या देगा हमें, वो हमें रिजल्ट में देगा 3। 1 + 2 = 3, यही देगा ना। लेकिन अगर तो हम क्या करेंगे, किसी स्ट्रिंग के बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे, देन वो क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को कॉनकेट कर देगा, ठीक है। एक सिंबल दो तरह का काम कर रहा है, अगर उसको न्यूमेरिकल के साथ हम यूज कर रहे हैं देन उस टाइम पे वो हमें एडिशन परफॉर्म करके दे रहा है, और अगर उसे सेम सिंबल को हम स्ट्रिंग के साथ यूज कर रहे हैं देन वो कॉनकेटिनेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और प्लस प्लस का सिंबल अगर हम यूज करते हैं तो वो इंक्रीमेंट का भी कर सकते हैं, फ्रंट पे करेंगे या बिफोर करेंगे वेरिएबल के, देन वो उसके ऊपर डिपेंड करता है प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है। मतलब एक सिंबल अलग अलग तरह से यूज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन करेंगे कैसे होगा, सबसे पहले एक स्ट्रिंग है राम, प्लस का सिंबल हमने लगाया बीच में, और दूसरी स्ट्रिंग है वर्मा। अब इसको हम कंपाइल करेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट स्ट्रिंग आएगी, वो क्या आएगी, राम वर्मा, मतलब जो एक साथ पूरा हो जाए, मतलब कनेक्ट हो जाए, कॉन्कैटिनेशन हो जाए, ठीक है। तो ये एग्जांपल था जिससे आपको ये समझ में आया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। सिंपल से एक सिंगल ऑपरेटर का यूज़ करके उसको किसी स्पेशल डेफिनेशन दे देना, डेटा टाइप जो है यूजर डिफाइंड उनको एक नया रूप देना, उसके साथ ऑपरेटर का यूज़ करना, डेट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज यूज टू ओवरलोड और रीडिफाइंड द मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर इनसाइड द C++। वो क्या कह रहा है कि जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम यूज करते हैं वो हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, जो C++ के अंदर पहले से ही अवेलेबल ऑपरेटर्स हैं उनका यूज कर सके, उनको रीडिफाइन कर सके। जो उनका मीनिंग है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर प्लस का काम एडिशन करना है देन वो करेगा, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। लेकिन उसी सिंबल का हम किसी दूसरे तरीके से अगर यूज कर रहे हैं ना, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द कंपाइल टाइम और द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब मोस्टली हम क्या करते हैं ओवरलोडिंग में, ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं कैसे, या फिर उसको रीडिफाइन कर देते हैं, जो उसकी डेफिनेशन है उसको रीडिफाइन कर देंगे अपनी तरफ से। अब रीडिफाइन हम कर रहे हैं तो कौन हुआ, वो यूजर, जो प्रोग्रामर है वो उसको रीडिफाइन कर रहा है ना। तो प्रोग्रामर ने क्या करा, अपने तरीके से जो भी बनाया उसने वो खुद के वे से बनाया, तो इसलिए वो यूजर डिफाइंडेड पे काम कर रहा है। इतना समझ में आया, यूजर डिफाइंडेड क्यों, क्योंकि अभी तक यूजर कौन है, प्रोग्रामर, जो उसको यूज कर रहा है, उसको कंपाइल कर रहा है। देन इसी कारण से वो यूजर डिफेंडेड पर भी काम कर सकता है, क्योंकि उसको किसने बनाया, यूजर ने बनाया। जो पहले से ही प्री डिफेंडेड बने हुए थे वो दूसरे प्रोग्रामर्स ने बनाए, जिसने उसको बिल्डअप किया, लेकिन उसको हम रीडिफाइन कर रहे हैं तो रीडिफाइन एक प्रोग्रामर कर रहा है,
और इसीलिए वो यूजर डिपेंडेंट पर काम कर पा रहे। द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। एडवांटेज ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द सेम ऑपरेंड। ये है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या कह रहे हैं कि एडवांटेज क्या मिलती है हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, कि हम इतना सब करें क्यों? एक प्रीडिफाइंड हमारे पास सिंबल है, हम उसका ट्रेड उसी काम के लिए यूज़ करेंगे जो डिफाइंड है कि हाँ इसके इसलिए यूज़ किया जाता है। बट हम क्यों उसको रीडिफाइन करें, क्यों हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हम उसको रीडिफाइन करना पड़े? अगर हम कर भी रहे हैं इतना काम तो हमें एडवांटेज क्या मिलेगा? हमें एडवांटेज ये मिलेगा, द एडवांटेज ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशन। इसलिए हम एक सिंगल ऑपरेटर का यूज़ करके सेम ऑपरेंड पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? कि सेम ऑपरेटर हो और सेम ही ऑपरेंड हो, लेकिन उसका ऑपरेशन अलग हो। जो हम करना चाहते हैं उसका मीनिंग अलग हो, बाकी सब सेम रहेगा। मीनिंग अलग होगा तो रिजल्ट भी हमें अलग से ही मिलेगा, न्यू मिलेगा। ऑपरेटर डेट कांट बी ओवरलोडेड एज फॉलो। और कौन से ऐसे ऑपरेटर हैं जो ओवरलोड नहीं हो सकते, उनकी लिस्ट भी हमें पता होनी चाहिए, कि बाई चांस हम उन्हीं पर ट्राई करें, उन्हीं को करने की कोशिश करें और कंपाइल जो है वो एरर देगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से ऐसे ऑपरेटर हैं जिस पर ओवरलोडिंग काम नहीं करेगी। जो फर्स्ट ऑपरेटर आते हैं हमारे पास जिस पर ओवरलोडिंग काम नहीं करती है, वो है साइज ऑफ ऑपरेटर। अब साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, आप सभी को पता है कि जब कभी भी हम किसी ऑपरेटर का या किसी डेटा टाइप का साइज चेक करना चाहते हैं कि मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है, देन उसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं जिससे हमें उसका साइज पता लग जाए। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, इसके भी बहुत सारे यूजेस हमें पता है। ग्लोबली किसी चीज़ को यूज़ करना, कोई हिडन है उसको अनहिडन करना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। ग्लोबली एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, डेटा मेंबर्स के साथ इसका यूज़ किया जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जहाँ पर हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इसका यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा ऑपरेटर है जिस पर ओवरलोड नहीं किया जा सकता। फिर आता है टर्नरी ऑपरेटर, जो कंडीशंस को चेक करता है एक सिंगल लाइन में। इसमें भी इफ एल्स की तरह ही होता है, बट ये एक सिंगल लाइन के अंदर ही कंडीशन को चेक करता है, इसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते। देन आता है हमारे पास मेंबर पॉइंटर सिलेक्शन। ये कौन सा ऑपरेटर होता है, जैसे हमारे पास पॉइंटर है, पॉइंटर स्टार सिंबल से हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, तो उसको भी ओवरलोड नहीं किया जा सकता। मेंबर सिलेक्ट ऑपरेटर, मेंबर सिलेक्ट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे हम कलेक्टर का कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं क्लास बनी हुई है, उस क्लास का कोई मेंबर फंक्शन है, उसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट डोंट मेंबर फंक्शन करते हैं, जिससे हम उस क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पाते हैं। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस मेंबर फंक्शन के थ्रू हम जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं उनको भी एक्सेस करने के ट्राई करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं एक्सेस। तो हम सिलेक्ट ऑपरेटर का यूज़ क्यों करते हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट डोंट मेंबर फंक्शन करते हैं एक्सेस करने के लिए, तब भी हम इस डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसको मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, मेंबर सिलेक्टर भी, और साथ में इसको हम डॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं। लास्ट आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जिसको हम हैश इंक्लूड इस तरह से यूज़ करते हैं ना, किसी चीज़ को इंक्लूड करने के लिए। जो ये हैश का सिंबल होता है वो इसलिए होता है ताकि हम अपने प्रोसेसर से एक डिमांड कर सकें, रिक्वेस्ट कर सकें कि जो भी इसके आगे लिखा जा रहा है इंक्लूड करके उनको आप इंक्लूड कर दो इस पूरे प्रोग्राम में, ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। क्योंकि हैश जो वैसे रिक्वेस्ट की तरह जाता है कंपाइलर के पास, और कंपाइलर जो इसकी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसीड भी करता है। प्री प्रोसेसर्स का हम यूज़ मैक्रोस डिफाइन करने के लिए भी करते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं, बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इसका यूज़ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे लिए आज का टॉपिक, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड बाकी सब वीडियोज़ को कवर करेंगे, बाकी सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।